हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट रीड कर चुके थे, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे बचे हुए हैं। तो इसके जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज इसके शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन है। तो आप अपनी बुक ले लें, 7 क्वेश्चन वहाँ से लिखें। बुक सभी के पास होगी, अगर बाई चांस किसी के पास है नहीं तो इसके लास्ट में बुक्स की भी पिक, सॉरी इसकी जो है क्वेश्चंस की भी पिक मैं भेजूंगी। लेकिन आप अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी खरीद लें जिस भी बच्चे के पास नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो प्रकार के फाइबर्स कौन कौन से हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइबर, प्रत्येक प्रकार का जो रेसा है उसके दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो फाइबर्स होते हैं टू टाइप के, कौन कौन से, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स में आएगा कॉटन और वूल, और जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसमें आएगा नायलोन और पॉलिस्टर। इसके अलावा भी अदर एग्जाम्पल्स भी आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज गिनिंग, हाउ इज इट डन। गिनिंग क्या है और ये किस प्रकार से क्या करता है, किया जाता है इसको। तो गिनिंग एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। जो कॉटन के फाइबर्स हैं उनको उनके सीड से अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग वॉज डन बाई हैंड्स बाई यूजिंग कॉम्ब लाइक डिवाइस, बट दीज डेज गिनिंग ऑल्सो डन बाई द यूजिंग मशीन्स। पहले के समय में क्या होता था कि गिनिंग को भी एक कॉम्ब लाइक डिवाइस, जो कंघे की तरह एक डिवाइस होती थी, उससे क्या करते थे, इन रेशों को सेपरेट करते थे। आजकल ये भी मशीनों से किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्टेट द वेरियस यूजेज ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो कॉटन फाइबर्स हैं उसके आपको कुछ यूजेज बताने हैं। तो कॉटन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ड्रेसेस, फिलिंग पिलोज, मैट्रियर्स एंड क्विल्स। ये आपके गद्दे, तकिए, रजाई, ये सब भरने में, और इसके कपड़े बनाए जाते हैं, इसकी ड्रेसेस बनाई जाती हैं, ये सब काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट द टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं आपके रेसे, उनसे फैब्रिक्स क्लोथ फॉर्मेशन की स्टेप्स में कौन कौन से दो स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें आती है बेटा स्पिनिंग और विनोविंग या नीटिंग आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर विनोइंग यार्न इनटू फैब्रिक, विच ऑफ द। तो लूम्स वो डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विविंग की प्रोसेस में, और यार्न इनटू फैब्रिक्स, धागे से क्या बनाते हैं, कपड़े बनाने में, लूम्स जिसको आप चरखा बोलते हैं हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली मेड बाई वीविंग एंड विच बाई नीटिंग। जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनमें कौन कौन से, तो वीविंग के जरिए इनका फैब्रिक फॉर्मेशन होता है, और कौन से ऐसे हैं जिनसे नीटिंग की प्रोसेस से, या जो जिनको बुन के बनाया जाता है। तो ये सारे जो मैंने दिखा रखे हैं अलग अलग, इनके दोनों के एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। आपको इनको क्लासीफाई करना है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन से तो नेचुरल फाइबर हैं और कौन से सिंथेटिक। तो देखो बेटा, वूल, कॉटन एंड जूट, ये तो क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। नायलोन, सिल्क और पॉलिस्टर, ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट नेम इज गिवन टू दूज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम उन फाइबर्स को क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे, जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। नेम टू फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड टू फाइबर्स, तो आपको टू एनिमल फाइबर के और टू प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स बोलने हैं। तो कॉटन और जूट क्या है, प्लांट फाइबर, वूल और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर, और जो नेचुरल भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ सोयल क्लाइमेट आर गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट और मिट्टी है वो उपयुक्त होती है। नेम टू फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड टू फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन ही देख लिया मैंने।
तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कि कॉटन की जो आपकी है वो किस प्रकार की मिट्टी में और किस प्रकार के क्लाइमेट में ग्रो होती है कॉटन क्रॉप। तो कॉटन क्रॉप इज़ ग्रोवन इन ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट, काली मिट्टी और जो गर्म जलवायु है उसमें कॉटन की जो फसल है उसको उगाया जाता है। फिर है कॉटन इज़ कौन कौन से स्टेट्स में, दो स्टेट्स के नेम बताने हैं, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, इसमें इसको प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, विद विच फाइबर इज़ द टर्म गिनिंग एसोसिएटेड। तो अभी हमने देखा था कि कॉटन फाइबर जो होते हैं उसमें जो गिनिंग है टर्म उसको यूज किया जाता है। ठीक है, गिनिंग की प्रोसेस होती क्या है, उसके फाइबर्स को सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस। नेम फोर एनिमल्स अदर देन सीप फ्रॉम विच वूल इज़ ऑब्टेन। आपको बताना है कि जिनसे कि क्या मिलती है, वूल मिलती है। सीप के अलावा कौन कौन से ऐसे जंतु हैं, एनिमल्स हैं, तो कैमल, गोट, रैबिट और यक, इनसे भी क्या मिलती है, हमें वूल प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेम थ्री डिवाइसेस फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक्स। जो आपके थ्री डिवाइसेस के नेम बताने हैं, जैसे हैंड स्पिंडल, टकली और स्पिनिंग व्हील, चरखा, स्पिनिंग मशीन, ये हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में ही बी वाला, नेम टू प्रोसेस बाय विच फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न। तो वही होंगी वीविंग एंड नीटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय वीविंग एंड नीटिंग, इन दोनों का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा, नीटिंग क्या होती है कि इसमें एक सिंगल यार्न से क्या किया जाता है, फैब्रिक फॉर्मेशन की जाती है, और जो वीविंग की प्रोसेस होती है इसमें डबल यार्न होते हैं और उनको एक दूसरे से पास करके फैब्रिक फॉर्मेशन, उनको अच्छे से अरेंज करके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक्स बाय अरेंजिंग यार्न पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न एट राइट एंगल टू देम इज कॉल्ड विनोइंग। इसको बोलते हैं हम, जैसे दरी वगैरह ये बनाते हैं। और जो नीटिंग की प्रोसेस तो आपने अच्छे से देखी होगी, स्वेटर बुनते हुए ये होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ।